नाउ फाइनली दिस इज टाइम टू चेक आउट. और अब मैं चेकआउट करके लगेज वगेज गाड़ी में रख कर अब हम लोग जाने वाले हैं गुलमर्ग. ओके सो वी आर बैक इन द बोट गोइंग फॉर आर कार. सो वी विल कीप द कार, विल कीप द लगेज इन द कार एंड देन वील मूव फॉर गुलमर्ग. ऑलराइट सो अब मैं हूँ रास्ते में श्रीनगर से गुलमर्ग और यहाँ का रास्ता आपको कंप्लीट करने के लिए करीबन करीबन 1.5 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 50 किलोमीटर्स का रास्ता है. तो अब मैं रास्ते में ही हूँ और काफी दूर तक हम आ चुके हैं. हे चंडू बंटू, ओके सो दिस इज द व्यू. और जो ये एरिया है यहाँ पे भी लोग कैंपिंग करते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं. बट बिकॉज लॉकडाउन है तो मे बी अभी नहीं हो रहा है, बट होपफुली वेरी सून दे विल अगेन स्टार्ट ऑल दी एक्टिविटीज़ देन अदर थिंग्स हियर. गुलमर्ग आने के लिए तो मैंने क्या क्या नहीं करा, कैसे भी आ जाऊँ. एक साल से ट्राई कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली आ गई हूँ. तो कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं, सब देखूंगी, सब चीज़ें, सारी अट्रैक्शंस हियर. ओके तो गुलमर्ग में एंट्री करते ही आपको यहाँ पे जो पार्किंग है गुलमर्ग का, यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करना पड़ेगा. और यहाँ से ऊपर जाने के लिए या तो आपको पैदल जाना पड़ेगा या आप जो हॉर्स राइडिंग है घोड़े का वो आप यूज़ कर सकते हैं. और उसके अलावा आप देखिए मेरे पीछे पूरा रेस्टोरेंट है, पूरा का पूरा एरिया है एंड काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे. सो यू कैन हैव फूड, टी, कॉफ़ी, सब कुछ है यहाँ पे. काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, वॉशरूम एंड एवरीथिंग, यू कैन गेट फ्रेश हेयर. और यहाँ से फिर आप देन यू कैन कंटिन्यू फॉर द अपर गुलमर्ग एंड हियर देर इज़ अ काउंटर वेयर यू विल बी चेक्ड. यहाँ पे एक काउंटर भी है पार्किंग के पास जहाँ पे अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपसे पूछा जाएगा आपके पास कोविड टेस्ट है नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी ये चेक कर सकते हैं डिपेंड ऑन देयर मूड. अंकल क्या नाम है आपका? मकबूल. अच्छा खाना एक बार बताएंगे आपके पास स्पेशल क्या है? हमारे पास कबाबा मिलेगा. कबाबा? हाँ कबाबा. ओके रिश्ता मिलेगा सर? रिश्ता वो मिलेगा, वो गोल होता है. ओके और रोटी मिलेगा, दही मिलेगा, हर कोई चीज़. और यहाँ का लोकल क्या है, मतलब अच्छा लोकल हो गया है ये जिसको कहता है. ओके कश्मीरी आवाज बना होता है जिसमें गोश्ता वोश्ता पाता है, रोगन जोश आता है, गोश्ता पाता है, रोगन जोश मटन कर्मा आता है. ओके दाई वाल कर्मा आता है. ओके ये सबसे अच्छा है कश्मीरी वाला, कश्मीरी. ओके तो यहाँ पे इनके पास सारे के सारे कश्मीरी डिशेस मिल जाएगा, स्पेशल फूड मिल जाएगा. तो जब भी आप लोग आओ यहाँ पे आके खाना खाओ, बहुत टेस्टी खाना है. और स्पेशली ये हमने बिरयानी ट्राई करा, तो बिरयानी तो बहुत यमी है. कैसा है बिरयानी? यमी. ओके ऑलराइट गाइस, सो दिस इज राजा जी हाट गुलमर्ग जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ. ओके तो मैं पहुँच गई हूँ गुलमर्ग और अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुलमर्ग की ब्यूटी का, यहाँ का प्लेसेस का. और हम ना कि सिर्फ यहाँ का जो लोकल अट्रैक्शन है यहाँ पे बल्कि टॉप पर भी जाके देखेंगे क्या क्या स्पेशल है और क्यों स्पेशल है. तो मेरे साथ गाइड है यहाँ पे मिस्टर आहिल खान. हेलो. ओके आहिल, तो आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? माय होल लाइफ 23 इयर्स. ओके ओके तो यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो आई थिंक इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है हर चीज़ का. तो अब मैं इनको लेके जाऊंगी सारी जगह, इनफैक्ट ये मुझे लेके जाएंगे सारी जगह दिखाने के लिए. तो यहाँ से लेके लोकल से लेके टॉप तक जाएंगे और चेक करेंगे क्या क्या स्पेशल है. हालांकि लॉकडाउन है बट स्टिल काफ़ी कुछ खुला हुआ है, टूरिस्ट आ रहे हैं. सो लेट्स चेक आउट और क्या क्या स्पेशल है. सो वील कंटिन्यू.